का दिन जो है 26 नवंबर आज संविधान दिवस है। आज के दिन जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की सदारत पे, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेसिडेंसी पे आज के दिन जो है हमारा देश का संविधान यानी हमारे देश का कानून आज लिखा गया और लिख कर जो है इंडियन गवर्नमेंट को सबमिट किया गया। तो आज का दिन संविधान दिवस का दिन है। संविधान जो है दोस्तों यही संविधान है जो हमारे देश की अखंडता और एकता को कायम रखा हुआ है। यही संविधान है जो हमको आज यहाँ पे जो आप लोग बैठे हैं, यही संविधान हमको हक देता है कि हम अपने गांव की तरक्की, अपने गांव के डेवलपमेंट, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए हम करें। तो आज जो है ये संविधान जो है 2 साल 18 महीने और 11 दिन के अंदर हाथ से लिखा गया है। संविधान हाथ से लिखा गया था और ये संविधान ही है जो हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी इतनी अखंडता है हमारे देश के अंदर। अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग बिरादरी के लोग, अलग अलग जुबान के लोग, यहाँ तक कि आप हर 2-4 किलोमीटर के अंदर आगे बढ़ोगे तो वहां पे जुबान बदल जाती है, वहां पे लिबास बदल जाता है, वहां पे खाने पीने का तरीका बदल जाता है, मजहब बदल जाता है, लेकिन ये संविधान ही है जो हमको आपस में जोड़ के रखा है। तो मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो है प्रियम्बल जो तमहीद होती है, जो हम बच्चों की किताब पे देखते हैं कि पहले पन्ने में लिखा होता है तमहीद के तौर पे, तो ये मैं आज पढ़ूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी धीमी अंदाज में इसको पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ आप सोचो कि संविधान ने हमको क्या हक दिया है। आज संविधान ने हमको हक दिया है कि हम अपने देश को तरक्की की तरफ ले चले। संविधान ने हमको हक दिया है कि हम जो है हमारे ग्राम पंचायत से सवाल कर सके। संविधान ने हमको ये हक दिया है कि हम संविधानिक तौर पर हम यहाँ पे अलग अलग मजहब, अलग अलग जात, अलग अलग बिरादरी में रह सकते हैं, हम अपने मजहब के रह सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं, हम लिबास पहन सकते हैं, हम कोई भी तालीम हासिल कर सकते हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ये संविधान ने हमको हक दिया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उर्दू के अंदर और हमारे नदीम भाई जो है हिंदी के अंदर संविधान को पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें। हम भारत के अवाम मुतानत व संजीदगी से, खड़े हो जाइए भाई, इसके लिए खड़े हो जाते हैं, कि भारत को एक मुकद्दर समाजवादी और गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करे इंसाफ। इंसाफ के मतलब क्या, कि हमारा समाजी इंसाफ हो, हमारा माशी इंसाफ हो, हमारा सियासी इंसाफ हो, आजादी ख्याल इजहार अकीदा दीन और इबादत मसावत के हैसियत और मौके इन सब में अखूत हो यानी फ्रेटर्निटी हो, आपस के अंदर भाईचारगी हो। हम चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, हम चाहे किसी भी जात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते हम आपस में भाईचारा है, हम आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अपनी आयन साथ असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आयन जरिए हालत इख्तियार करते हैं और वजह करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। भारत का संविधान, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949
को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अंगीकृत अधिनियमित अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं।